सो गाइस ये हमारा बन चुका है कैरामल। खा लूंगा मैं, खा लूंगा मैं, खा लूंगा नहीं खा लूंगा। अरे इफ्तारी नहीं हुई है, तोल दूं ना। Assalamualaikum everyone, कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हो गए तो हो गई है आज न्यू रेसिपी के साथ। तो कल की रेसिपी आप लोग को बताई हूँ कैसे ट्राई करो नहीं करो आपके ऊपर है। आप लोग अगर ट्राई करते तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना कि कैसी बनी कैसी नहीं बनी। और आज की रेसिपी कुछ इस तरीके से, आज शाही रोल बना रहे तो दो ब्रेड लिए हैं हमने। शाही रोल के लिए बस खाली दो ब्रेड? हाँ दो ब्रेड, शाही रोल के लिए दो ब्रेड। तो पहले हम दो ब्रेड लिए हैं, कोथमीर, एक प्याज, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर मिक्स है, नमक थोड़ा कम लगेगी क्योंकि हम चीज़ भी डालेंगे इसलिए, और ये गरम मसाला पाउडर, काली मिर्ची पाउडर और चिकन। अभी पहले हम ब्रेड को, प्याज को और कोथमीर ये तीनों को पीसेंगे, फिर हम चिकन डालेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डालते हैं। मैं भी कुछ हेल्प करूँगा आपके साथ, पहले ये पीस लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। मैं भी हेल्प करूँगा। हाँ ठीक है। तो इसके अंदर हमने ब्रेड, कोथमीर और प्याज डाल देंगे, इसको पीस लेते हैं। तो फिर गाइस अभी हम लोग ने चिकन डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए और पीस रहे। अभी स्टार्ट करो। सो गाइस हमारा पेस्ट जो है देखो इस तरीके से मैंने सब मसाले वगैरह सब मिक्स करके पेस्ट डाली, और ब्रेड क्रम्स इसके लिए डालते हैं हमने, ब्रेड इसके लिए डालते हैं कि बाइंडिंग अच्छी हो जाए और अच्छा पेस्ट भी आए। ठीक है, डालो। इसको निकाल देंगे और जब तक हम ब्रेड के जो साइड्स के कोर रहते हैं वो पीस लेते हैं और ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। ठीक है। सो गाइस हम लोग ने इसको पीस लिए हैं, ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, इसके अंदर एग लिए हैं और नमक डाल के थोड़ा फेंट लिए। नमक कम डालना है इसमें भी क्योंकि चीज़ में ऑलमोस्ट होता है चीज़, और ये स्लाइस चीज़ ले लिए हमने। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इधर जो पतला है जो फ्लैट सरफेस है उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के मिक्स कर देना है, और फिर ये जो लिए हैं हमने उसको अच्छे से ऐसा फ्लैट कर देना, रोटी ऐसा ना मतलब। हाँ हाथ से रोटी बनने का है ये स्लाइस चीज़ आ जाए ना। तो ये इतना माशाल्लाह से टेस्टी बनता है ना, शाही चिकन चीज़ रोल है कि तुम्हारा पेट भर जाएगा पर दिल नहीं भरेगा, समझ में आया? हाँ। खास करके तू चीज़ लवर, तो कौन है चीज़ लवर और चॉकलेट, तुम तो चॉकलेट ही नहीं खाते, चीज़ भी नहीं खाते। हाँ मैं नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद, इसके लिए नहीं खाती। गाइस आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको चॉकलेट पसंद है या चीज पसंद है या दोनों पसंद है। इसको ऐसा रोल करना है। ठीक है, आस्ते आस्ते ये रोल कर देंगे। ऐसा हो गया ना। अभी अंडे में डिप करके ब्रेड्स का नमस लगाएगी ना। रुक तो जा, पूरा बताने तो दे। फिर जो ये एक्स्ट्रा है वो हटा देंगे और इसको पैक कर देंगे यहाँ से। ठीक है, सही बात है। और इसको भी हाथ से पैक कर देंगे ताकि हमारी चीज निकले। ये हाथ में ऐसा स्प्रिंग रोल जैसा बना रहा है ना। आपको लगे अगर चीज निकली हुई है तो चीज को वापस मसाला लेके ढक देना। अगर आपको एक्स्ट्रा चीज डालना रहता तो अंदर डाल सकते हो, आधी भी डाल सकते हो, अच्छी भी डाल सकते हो। इस तरीके से रोल कर देना है हमको और सब ऐसे ही बना लेना। ठीक है, एक और बता दो, छोड़ो कोई लोग देखे नहीं रहे तो। आधी चीज डाल के बताओ, बहुत बड़ा हो जाता है ना। नहीं एक चीज मम्मी हो जाएगी, एक चीज में आधी चीज डाल के। अभी मार्केट से अगर चीज खत्म होगी मार्केट से मैं लेके आ जाऊंगा। हाँ चीज तो है मोज़रेला में। हाँ मोज़रेला चीज डाल दो ना। हाँ तो बोल तो भी आधी आधी पहले ही करके खत्म करती हूँ, फिर मोज़रेला डालती हूँ। हाँ मोज़रेला भी डाल सकते हैं आप, कोई भी चीज यूज कर। गाइस मोज़रेला डालना और ये चीज स्लाइस डालना, चीज पुलिंग हो गया मम्मी, चटपट बनाओ। अपने गाइस लोग को दिखा देता हूँ। गाइस अगर आपको रमजान में गाइस मेरी वीडियो देखना है कि मैं शेफ बनूं तो फिर उसके अंदर कमेंट करते जाओ, मैं तुमको दिखा दूंगा। हाँ मैं ये बोल रहा है, मुझे भी बनाने दो, पर अभी रमजान में है ना तेल का काम रहता है तो इसके लिए तेल को नहीं बना सकते। अरे मतलब सुनो मैं सब पूरा बेसिक बना दूंगा। मम्मी सुनो अपन ऐसा भी बना सकते ना, एक तरह आधी चीज एक जगह मोज़रेला चीज, आधी चीज मोज़रेला चीज दोनों मिक्स। सब एक जैसा खा लेंगे ना तो सबको ऐसा लगेगा कि अलग, इसको अलग चीज देखो अलग चीज, इससे अच्छा एक जैसा ही डाल दो। ये देखो ये इस तरीके से ये कर देना है। ठीक है रोल। हाँ इसका नाम क्या है? शाही चीज रोल।
चिकन शाही चीज रोल। चिकन शाही चीज रोल अभी इसी तरीके से सब कर लेते हैं। तो फिर गाइस मम्मी मेरे जिद पे मोजा चीज वाला बना रहे हैं। हाँ मी हाँ मुझे चीज स्लाइस वाला मत बनाओ, मोजरेला चीज भी डालें। अभी मोजरेला चीज का भी थोड़ा बता देती हूँ आपको। ये चीज स्लाइस वाले हैं, देखो मोजरेला चीज के थोड़े छोटे बना दी ताकि मालूम पड़े हम लोग को कि मोजरेला चीज किस में और स्लाइस स्लाइस किस में। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही करना है, ऐसा थोड़ा सा डाल देना इसमें और फिर कोट कर देना। ठीक है, बस को चपटा कबाब। ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटे बन गए। कबाब बनाना है तो कबाब भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा एक और एक बना के दिखा दो दर्शक को। किसको? दर्शक दर्शक हो रहा गाइस, लोग से दर्शक हो गया। ये ऐसा डालना है, इसको गाइस आपको गाइस ऐसा गाइस चीज वाला गाइस मिक्स में बना सकते हो। एक जहाँ मोजा चीज स्लाइस, अरे बस सुनो, एक जहाँ मोजा चीज स्लाइस और एक जगह चीज मोजा चीज है। हमें चीज स्लाइस भी डाल सकते हैं, चीज क्यूब भी डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो भी सिर्फ रोल करके खाएंगे तो भी टेस्टी बनेगा, समझा? एकदम ये ऐसा है ना, एकदम कम मसालों में और फटाफट बनने वाली चीज है। सिर्फ इसका काम है ना, ये स्वीट बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, वरना हो जाता है। एक और एक बना दो, एक और एक वो उसमें दिखा बनाएगा, वीडियो पकाएगा बोलेगा पका नहीं उसमें एक और एक। अरे गाइस हम लोग गाइस पकाते नहीं, हम लोग कुकर थोड़ी ना जो पकाएगी आप लोग को। हाँ तो क्या है तू? मैं मरकान वरकान अच्छा, और मुझे तो पता ही नहीं था क्या बोले थे, मुझे तो पता ही नहीं था तू अरकान है। अभी अभी तो मोए मोए हो गया तेरा ना। हाँ गाइस दो इस टाइप कुछ बनाना है। बस चलो मम्मी, बाय 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 टाटा बाय बाय। सो गाइस ये कटोरे में डूबता नहीं, इसके लिए मैंने फिर से ये ट्रांसफर कर दी इसके अंदर ना बैठे वाले बैटर के अंदर, और इसको ऐसा बैठे में कोट करना है इस तरीके से। गाइस मैं गाइस अभी भी बता सकता हूँ, ये लोग सब में से सबसे ज्यादा मोजरेला चीज वाला बोलते हैं ना। ये दो जो ये बनाई ना, जो गोल शेप में राउंड शेप में ये वाला, उसके अंदर बोलते हैं मेरे को खाली मोजरेला चीज वाला ही करते हैं, तो वो उसके अंदर बहुत ज्यादा चीज है, बाकी सबके अंदर नॉर्मल है जैसे हम खा सकते हैं शादी वगैरह में मिलते हैं। इस तरीके से कोट करना है देखा, और फिर इसको हम रख देंगे फ्रीजर में, फिर जब फ्राई करेंगे तब। अंडे कितने लिए तुमने? एग एग एक ही लिए फिलहाल, वन ओनली वन। मम्मी फटफट गाइस लोग को बता दो दर्शकों को। हाँ दर्शकों को, हाँ इस तरीके से कोट कर देंगे अच्छे से, और फिर इसी तरीके से सबको कोट करके फ्रीज में रख दो। आप स्टोर भी कर सकते हो और बाद में भी यानी फौरन बना के खा भी सकते हो, जैसे अच्छा। आपकी मर्जी। गाइस दो इस टाइप से कुछ कोट करना है, ये हो गया आरामी। गाइस अभी तुम बोलते हो ये ब्रेड क्रम्स तुम लोग कहाँ से बनाते हो? घर में बनाते मालूम है ना। हाँ गाइस जो हम लोग की ब्रेड की स्लाइस बाकी रहती है उससे बनाते हैं हमें। तो गाइस ये देखो इस तरीके से हमारा ये कोट हो चुका है, अभी इसको हम रख देते हैं फ्रीज करने, फिर बाद में हम इफ्तारी का टाइम असर की नमाज के बाद यानी फ्राई करने खड़े होंगे। ठीक है, ऐसा कर ले इसका। हमारा गर्म हो चुका है, फ्राई करने की बारी आ गई है, तभी हम डीप फ्राई करते हैं। डीप फ्राई ये कैसा, ये अच्छे से फ्रीज भी हो चुका है इस तरीके से। डीप फ्राई करना है इसको, कैरेमल बनाई थी मैंने, ये देखो माशाल्लाह से कलर कितना अच्छा है, एक कैरेमल है, इसको फ्रीज करने रख देते हैं और यहाँ पे फ्राई हो रहा है। सो गाइज ये हमारा बन चुका है कैरेमल, और ये चीज ये सीख, और ये जो अरकान ने बनाने लगाया था दो वो, और ये ऐसा
हमारी चिकन शाही चीज रोल तैयार हो चुके हैं और कैरामल भी तैयार हो चुका है, तो आप लोग जरूर ट्राई करना। आप लोग को कैसी लगी रेसिपी वो बताना, हाँ, कमेंट करके बहुत सारे कमेंट करना। अरे रुक जा, क्या बोल रहे हैं गाइस? गाइस तोड़ के दिखाता हूँ, मैं खा लूंगा। अरे इफ्तारी नहीं हुई है, तोड़ लूंगा। सो गाइस वीडियो यही एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।